क्रूज पर रेव पार्टी रेड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हिरासत में। आर्यन खान से एनसीबी पूछताछ कर रही है। अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि ये 2 हफ्ते तक चली जांच का परिणाम है। हमने खुफिया जानकारों की सूचना पर यह कार्रवाई की थी। इसमें कुछ बॉलीवुड लिंक भी सामने आए हैं, तो बॉलीवुड लिंक की संलिप्तता भी सामने आई है। आर्यन खान से एनसीबी पूछताछ कर रही है। अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि 2 हफ्तों तक चली जांच का ये परिणाम है और खुफिया जानकार की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें भी आप उस दौरान की देख सकते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है। अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी भी पूछताछ जारी है। कई बॉलीवुड लिंक के संलिप्तता की खबर भी इससे जुड़ी सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 हफ्ते तक पुलिस का ये कहना है कि 2 हफ्ते तक जो जांच चली थी उसके बाद जानकारी के आधार पर यहां रेड की गई और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी इसमें शामिल है। आर्यन खान से एनसीबी इस समय पूछताछ कर रही है। अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। Such questions is not for us to know. But and you know the fact is, I would also like to add that जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है, लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी to report, let the real reports come out, you know, till then bachcha hai, taking care of him is our responsibility. इससे पहले भी लगातार ऐसी खबरें मुंबई से सामने आई हैं और पूरे देश में एक बड़े चर्चा का विषय भी मुंबई में और खासकर बॉलीवुड से जुड़ी दुनिया में ड्रग्स का लेन देन, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। और इस बार भी जहां एनसीबी की ओर से क्रूज पर रेड की जाती है, बड़े नाम इसमें शामिल हैं। रेव पार्टी रेड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ कर रही है एनसीबी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एनसीबी की ओर से आर्यन खान से पूछताछ की जा रही है। अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।